तो गाइज ये है नॉर्मल मैचस्टिक जो गाइज नॉर्मली स्ट्राइकिंग से चल जाती है। तो गाइज लेकिन अगर इससे माचिस की तीली को हम लोग जो है पानी के अंदर डबोएं गाइज इस तरीके से, ठीक है, तो गाइज इसे चलाने की कोशिश करें, ये देखें ये कभी भी जो है वो नहीं जल पाएगी। गाइज हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि भाई हम लोग अगर कहीं आउटिंग पे गए हुए हैं और भाई माचिस के डिब्बे गलती से साथ ले गए और भी माचिस जो है पानी से गीली हो जाती है, तो गाइज आग जलाने में हो जाती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो है इस माचिस की तीली को हम लोग बनाने वाले हैं वाटर प्रूफ, किस तरीके से बनाने वाले हैं वो भी आपको दिखाएंगे और क्या ये वर्क भी करती है या नहीं, ये ना कि भाई ये वर्क ना करे आइडिया और भाई आप लोग जो है हंस जाएं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो प्लीज़ आपने काम करना है वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट। टंटना, तो गाइज यहाँ पे है नेल पॉलिश। गाइज ये है वाइट कलर की नेल पॉलिश, बस सिंपली जो है लड़के तो यूज़ नहीं करते लेकिन जो गर्ल्स हैं वो यूज़ करती हैं। भाई आपको जो है कहीं ना कहीं ये इजीली 10 से 15 रुपए की मिल जाएगी। गाइज अब नेल पॉलिश का कमाल क्या है, भाई पानी को करते हैं साइड पे और गाइज यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं भाई साहब ये दो जो है मैच स्टिक्स। गाइज सिंपली आपने करना क्या है, जो माचिस की तीली है ना उसके ऊपर गाइज हमने लगा देनी है इस तरीके से नेल पॉलिश। गाइज सिंपली लगा के जो है इसे रख देना है और जितनी भी हमारे पास तीलियाँ होगी ना उनको सिंपली इस तरीके से जो है वो नेल पॉलिश लगा के हमने रख देना है। अब आगे इसका क्या प्रोसीजर है वो आपको बताते हैं, तब तक आप वीडियो को जो है एक दफ़ा लाइक लाजमी कर दो। तो गाइज सिंपली जो है भाई इन माचिस की तीलियों को नेल पॉलिश लगाने के बाद जो है हमने सुखा लिया है। गाइज अभी जो है वो तकरीबन शाम हो चुकी है, सूरज तो नहीं था तो भाई हमने जो है फूंके मार मार के इनको सुखाया है। तो गाइज अब बारी है इनको टेस्ट करने की, क्या ये तरीका जो है वाकई कारीगर है या नहीं। तो गाइज करते हैं भाई साहब चेक। तो सबसे पहले वाली तीली जो है लेते हैं, इसे गाइज डुबोते हैं ये देखो पानी के अंदर और गाइज डुबोने के बाद जो है सिंपली से हल्का सा जो है हम लोगों ने इस तरीके से शेक करना है और गाइज सिंपली देखिएगा 1, 2, 3 एंड। तो गाइज ये देखो आप लोग किस तरीके से जो है ये जल चुकी है। तो गाइज मैं आपको जो है अंदर से एक और तीली जो है निकाल के दिखाता हूँ जिसके ऊपर जो है हमने नेल पॉलिश नहीं लगाई थी। ये मैंने अंदर से तीली निकाल ली है, ये देखिएगा, इसे मैं जलाने की कोशिश करूंगा कभी भी ये नहीं जलेगी। ये वो तीलियाँ हैं जिसपे हमने लगाई थी नेल पॉलिश। गाइज रखते हैं इसे पानी के अंदर, ठीक है, और हल्का सा करते हैं इसे शेक करने के बाद गाइज देखिएगा, तो यार इसे दूसरी साइड से जो है वो जलाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज ये देखो किस तरीके से जो है ये तीली जलना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज फाइनली हमारा आइडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे वर्क किया और गाइज इस तरीके से जो है आप लोग अपनी कैंपिंग को बेहतर बना सकते हैं। जस्ट ये 10 से 15 रुपए की आती है, इसे गाइज अपनी माचिस की पूरी तीलियों के ऊपर लगाओ और भी लगा के माचिस को बेशक जो मर्जी जो है अपनी पोखरी के अंदर रख के ले जाओ। तो गाइज अगले वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे कि भाई माचिस के बगैर जो है तीली आप लोग कहीं पर भी इसे स्ट्राइक करके कैसे जला सकते हैं। तो अगर वीडियो के अंदर आया है मजा और वीडियो लगी है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं पूरे 500 लाइक्स, मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर देंगे और यह चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे धमाकेदार एक्सपेरिमेंट्स आप तक पहुंचते रहें।